हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीबी की ब्यूटी एंड मैं हूँ बॉनस्ट्री। तो कैसे हो आप सब? तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करूंगी। ये है स्वाति भामरा इंस्पायर्ड मेकअप लुक। स्वाति दी ने 2018 में दुर्गा पूजा में ये लुक क्रिएट किया था एंड मैं आज उसकी इंस्पायर्ड मेकअप लुक कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। चुपी चुपी भालोबाशा बोले जाए काने का। अपने फेस को वॉश करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर के लिए ब्लू हेवन की प्राइमर एंड ये प्राइमर बहुत अच्छा है। आप सबको पता है मेरी फेवरेट है, तो मैं अपने पूरी फेस पे अच्छी तरीके से प्राइमर को अप्लाई कर लूँगी। फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ पर्पल HD फाउंडेशन और मेरा शेड है कैफे एंड कॉमरेड। ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है एंड मेरे चैनल पे रिव्यू है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। पूरी फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ एंड एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरीके से। अब मैं अपने आईब्रोज को फिलअप कर लूँगी, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मर्स की पाल आई शेडो और यहाँ से मैं ब्लैक एंड थोड़ा सा ब्राउन कलर को पिक कर रही हूँ एंड एक एंगल ब्रश की हेल्प लेकर मेरे जो आईब्रोज है उसको अच्छी तरीके से डिफाइन करूँगी, फिलअप करूँगी एंड अच्छे एक लुक दूँगी। अब मैं एक ब्रश की हेल्प लेकर अपने आईब्रोज को अच्छी तरीके से ब्लेंड आउट कर लूँगी, प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ NYBA की ऑरेंज करेक्टर। स्वाति ने भी अपनी मेकअप लुक में यूज़ किया था, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अंडर 100 में आ जाता है। मैं अपनी डार्क स्पॉट पे एंड जो अंडर आइज है वो अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी एंड एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ अच्छी तरीके से ब्लेंड आउट कर लूँगी। अब मैं पाउडर सेटिंग कर लूँगी एंड इसके लिए मैं ले रही हूँ मेबलिन की व्हाइट सुपरफेस कॉम्पैक्ट और मेरा शेड है पर्ल। ये कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है, मेरी चैनल पे रिव्यू है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अब मैं अच्छी तरीके से एक ब्रश की हेल्प लेकर इसको ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं अपने आईज़ के ऊपर कंसीलर यूज़ करूँगी एंड कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की कंसीलर। एक कंसीलर बहुत ही अच्छा कंसीलर है एंड मेरा जो शेड है उसका नाम है लाइट मोइन। मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प लेकर। अब मैं स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लेके वहाँ से एक ट्रांजिशन कलर पिक करूँगी एंड अच्छी तरीके से अपनी ट्रांजिशन लाइन में अप्लाई करूँगी। तो स्विस ब्यूटी के ये जो पैलेट है आई शेडो बहुत अच्छा पैलेट है, बहुत अफोर्डेबल है, मेरे चैनल पे रिव्यू है, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। याद रखिएगा कि आई शेडो को अच्छी तरीके से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। आई शेडो के जो मेन पार्ट है वो ब्लेंडिंग ही है। हम बहुत जल्दी जल्दी दिखाते हैं इसीलिए आपको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन आप टाइम लेके ब्लेंड कीजिए। उसके बाद मैं पर्ल आई शेडो मार्स की वहाँ से एक पिंक कलर को पिक कर रही हूँ, अच्छी तरीके से वह ट्रांजिशन लाइन में भी अप्लाई कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं इस पैलेट से, स्विस ब्यूटी के पैलेट से एक गोल्डन शेड ले रही हूँ एंड अपने आई लिड में थोड़ी थोड़ी करके अप्लाई कर रही हूँ। इस लुक को और भी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए मैं यहाँ पे जो मेकअप रिवोल्यूशन के प्रो इल्यूमिनेटर पैलेट है वहाँ से कलर को ले रही हूँ एंड ब्रश की हेल्प लेकर थोड़ी थोड़ी करके आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। अब लाइनर के लिए मैं ले रही हूँ एम्स्टरडैम की आईलाइनर। ये आईलाइनर बहुत अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है। मैं थोड़ी थोड़ी करके अपने आईज़ की कॉर्नर से लेके क्विंक ड्रॉ करूँगी। मैं बिगनर हूँ, मुझे आईलाइनर लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके अप्लाई कर रही हूँ। आप भी ऐसा ही कीजिए, एकदम से मत कीजिए। काजल के लिए ले रही हूँ मैं मेरी फेवरेट NYBA की काजल। मैं अच्छी तरीके से अपने आईज़ पे अप्लाई करूँगी। स्वाति दी भी अपने आईज़ पे बोल्ड काजल अप्लाई किया था एंड मैं भी कर रही हूँ, अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी।
काजल अप्लाई करने के बाद मैं एक जो आई शेडो ट्रांजिशन कलर मैं यूज़ किया था उसको लेके ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प के साथ अच्छी तरीके से काजल को ब्लेंड स्मच करूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि ये काजल फैले नहीं इसलिए मैं करूँगी एंड अच्छा लुक भी आता है इस पर। अब मैं अपने आईज़ के जो थोड़ा सा कंसीलर कर लूँगी एंड स्विस ब्यूटी की कंसीलर ले रही हूँ, क्योंकि इसमें आपका आई लुक भी और ब्राइट अप होता है एंड उसके साथ साथ जो फॉल होता है, जो फॉल आउट होता है अपनी आई शेडो की प्रोडक्ट की, तो वो सब कुछ निकल जाता है। अब मैं थोड़ा सा मेबलिन पाउडर मेबलिन कॉम्पैक्ट लेके थोड़ा सा पाउडर शेडिंग कर रही हूँ अपनी आईज के नीचे। अब मैं सिवाना कलर्स की जो ब्लश पैलेट है वहाँ से जो कंट्रोल कलर है उसको ले रही हूँ एंड ब्रश की हेल्प के साथ अच्छी तरीके से जो एज यूजुअल प्लेस होता है कंट्रोल करने के वहाँ अप्लाई कर रही हूँ, अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं अच्छी तरीके से अपने नोज़ को भी कंट्रोल कर रही हूँ। आप भी ऐसा ही थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट लीजिए एंड ऐसे ही करिए तो अच्छी लुक आएगा आपका नोज़ और भी शार्प लगेगा। अब ब्लश के लिए मैं वही पैलेट से कोरल कलर को पिक करूँगी एंड अप्लाई करूँगी। ब्लश मेरा बहुत फेवरेट है एंड यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से ब्रश की हेल्प के साथ अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं हाईलाइटिंग करूँगी अपने फेस की एंड इसके लिए मैं ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की प्रो इल्यूमिनेटर एंड एक ब्रश की हेल्प के साथ एज यूजुअल प्लेस पे जहाँ पे हाईलाइटिंग करता है वहाँ अप्लाई कर लूँगी। मैं एक ब्रश लेके अपने आईज़ की इनर कॉर्नर में भी हाइलाइटिंग कर रही हूँ, ये करना बहुत ज़रूरी है आपकी आईज़ और भी ओपन दिखता है इसके लिए। मैं अपनी फिंगर्स में हाइलाइटिंग पाउडर को लेके मेरे आईब्रोज़ को भी डिफाइन कर रही हूँ, थोड़ा सा हाइलाइटिंग कर रही हूँ। अब लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ NYB की लिप क्रेयॉन एंड मेरा शेड है आई थिंक शैम्पेन रेड एंड ये कलर बहुत अच्छा है। मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अच्छी तरीके से अपनी लिप्स के ऊपर। अब मैं अपने मेकअप को फिक्स करूँगी स्विस ब्यूटी के मेकअप फिक्सर के साथ एंड जो एक्स्ट्रा पाउडर है उसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ रिमूव कर लूँगी। जैसे कि मैं मस्कारा भूल जाती हूँ तो इस बार भी भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा एंड अच्छी तरीके से अपने आईज पे डबल कोट करके ये अप्लाई कर रही हूँ। मुझे अपनी लिप कलर थोड़ा सा लाइट लगा इसलिए मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी की जो मैट मी कलेक्शन है आपसे एक रेड कलर को ले रही हूँ एंड थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई कर रही हूँ। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैं एक बंगाली हूँ इसलिए मेरे पास वाइट रेड साड़ी था तो मैं वो पहन लिया। स्वाति ने एक वाइट काइंड ऑफ दुपट्टा वेयर किया था तो मेरे पास वैसा कुछ नहीं है एंड ये मेरा फाइनल लुक है। आई होप मैं अच्छी तरीके से ये लुक क्रिएट कर पाया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही था गाइज़, बाय गाइज़।